वन पीस एपिसोड नंबर 238 पार्ट 1 हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी उस बड़े से ब्रिज में खड़ा रहता है और लूफी को बोलता है कि लूफी तुम कहाँ हो, मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ, हमने तुम्हारा 200 मिलियन लिया तो तुम क्या हमारा घर तोड़ दोगे, हमें बर्बाद कर दोगे। तो फिर लूफी कहता है मैं हूँ लूफी आओ, तो फिर वो कहता है क्या तुम मुझे इसलिए लड़ोगे क्योंकि मैंने 200 मिलियन लिया था, नहीं मैं इसलिए लड़ूंगा क्योंकि तुमने चॉपर को हराया था, तुमने उसब को मारा था। फिर नामी उसे 200 मिलियन का बात करती है कि तुमने आखिर वो पैसा क्या किया, तो कहता है वो सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया। फ्रैंकी ये भी कहता है कि तुम क्या करेगा पैसा का, तुम तो खुद चोरी करके आया था। लूफी कहता है पैसे की कोई बात नहीं है, तुमने उसब को मारा था इसलिए मैं अब तुम्हें मारूंगा। सीन शिफ्ट होता है कालीफा पे, वो जाके गलीला कंपनी के सारे मेंबर को कहती है कि वो जो मेंबर था जिसे अटैक हुआ था आइसबर्ग, वो अब ठीक हो चुका है, कॉन्शियस हो चुका है, तो सारा खुशी से गए उससे मिलने के लिए। तो आइसबर्ग ये कहता है कि मुझे याद है कि वो जो था ना कोई बहुत लंबा चौड़ा आदमी था जो मास्क पहना था, और एक लड़की थी जो एकदम बड़ा लंबा बाल था उसका का आँख था। फिर वो कहता है मैं जानता हूँ वो वही होगी। फिर हमें रॉबिन का फोटो दिखाया जाता है। ये सारा बात पीछे से कोई रिपोर्टर सुन लेता है, अपना कॉपी में नोट डाउन करता है और फिर वो सबको बता देता है कि आइसबर्ग को हौस आ चुका है। उसके बाद लूफी और वो फ्रैंकी का फाइट स्टार्ट हो गया। वो ब्रिज से इसे बहुत सारा सांस अपने अंदर लेता है और फिर फूंकता है तो वो आग निकलता है। लूफी ये देखे हैरान हो जाता है, अरे ये कैसे आग कैसे निकल रहा है। फिर वो बोलते हैं क्या वो डेविल फ्रूट खाया है। फिर लूफी बोलता है हो सकता है, पर वो अचानक वहाँ से नीचे कूदता है, पानी में गिरता है। फिर वो कहता है अगर वो डेविल फ्रूट खाया है तो किसा उसे ये नहीं पता कि डेविल फ्रूट खाने वाले तो पानी में नहीं रह सकते, वो डूब जाएंगे। फिर वो यागुड़ा नीचे अपना सर डालता है और देखता है कि बहुत तेज़ी से वो आ रहा है और वो अचानक से यागुड़ा का सिप में मारता है, सिप तहस नहस हो जाता है। लूफी अलग नामी अलग उड़ने लगते हैं और फिर वो बाहर निकलता है मैंने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है। उसके बाद लूफी उड़ रहा होता है, फिर वो अपना हाथ से पंच मारता है, उसका आधा हाथ निकलता है, बीच में चैन से रहता है, उसका पेट में लूफी मारता है, दौड़ते दौड़ते वो गेट नंबर 1 में जाके टकराता है। लूफी एकदम इससे झूल जाता है। उसके बाद फ्रैंकी बताता है कि उसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है। तो फिर नामी पूछती है आखिर तुम हो कौन, कब ये कैसे कर पा रहे हो। पता है मैं एक मॉडिफाइड इंसान हूँ, मैं एक साइबोर्ग हूँ, क्या तुमने कभी साइबोर्ग नहीं देखा है। उसके बाद हमारा शिफ्ट सीन होता है वो हॉस्पिटल में, जहाँ पे वो कहते हैं कि पक्का वो स्ट्रोहेड पायलट में से एक होगी वो लड़की। फिर वो कहते हैं क्या वो इसलिए हम पे अटैक किया क्योंकि हमने उसका शिफ्ट रिपेयर नहीं किया था। फिर एक कोको लंबा नाक वाला बोलता है नहीं ऐसा केस नहीं होगा, हमें कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। फिर वो कहता है क्योंकि दूसरा मेंबर कहता है हम लूफी को कैप्टन को ही गिरफ्तार करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारा नामी में, सांजी और चॉपर अपना यागुड़ा में रॉबिन को खोजने के लिए जा रहे होते हैं। फिर चॉपर एकदम ध्यान से कुछ सोच रहा होता है और वो कहता है कि अगर कोई ऐसा टूरिस्ट जिसे एक्वा लगुआ के बारे में ना पता हो और उसका सिप भी तबाह हो चुका हो तो क्या वो डूब नहीं जाएगा। फिर इनडायरेक्टली चॉपर और सांजी आपस में ये बात करते हैं और कन्फर्म करते हैं कि हम जाएंगे और उस सबको बचाएंगे क्योंकि वो इलाज नहीं है, वो बीमार है, उसको चोट लगा और उसका सिप भी खराब है। अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 238 पार्ट 2 हमें दिखाया जाता है कि गैलीला कंपनी का एक मेंबर लिवरस्टोन दौड़ते दौड़ते आता है और दरवाज़ा खोलता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि हमें कुछ ट्रबल काउज हो रहा है, वहाँ पे कुछ ट्रबल हो रहा है। उसके बाद वो सब गुस्सा जाते हैं कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में आके चिल्ला क्यों नहीं। फिर उसे मार के पीछे भगाते हैं और फिर वो बोलता है कि फ्रैंकी और स्ट्रॉहेड पायलट लूफी डॉक नंबर 1 में लड़ रहे हैं और आपस में तबाही पहुँचा रहे हैं। उसके बाद गैलीला कंपनी के सारे मेंबर डिसाइड करते हैं वो वहाँ पे जाएंगे और उन दोनों का फाइट को रोकेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। फाइट सीन हमें दिखाया जाता है लूफी और फ्रैंकी के बीच, जहाँ पे फ्रैंकी लूफी पे बहुत भारी पड़ रहा होता है, हालांकि नामी कहती है कि लूफी तुम फ्रैंकी को मारो पीटो कूटो। उसके बाद फ्रैंकी अपना नया मूव यूज़ करता है, वो अपना हाथ से निकालता है और बहुत सारा गोली बरसाता है। लूफी झेल नहीं पाता है, वो पीछे जाता है। उन दोनों के बीच इंटेंस फाइट हो ही रहा होता है कि अचानक उन दोनों को गैलीला कंपनी के सारे मेंबर आते हैं और एक पंच उसे दूसरा पंच उसे मारते हैं और दोनों दूर फेंका जाते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार गैलीला कंपनी यहाँ आए तो आए क्यों और वो हमें क्यों मार रहे हैं। सारा ऑडियंस ये देख के खुश हो जाते हैं कि हमारा सुपर हीरो सब आ गए हैं सिर का तबाही मचाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद वो आते हैं और फिर लूफी को मारना स्टार्ट कर देते हैं।
हालांकि लुफी समझ नहीं पाता आखिर क्यों मार रहे हैं। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो, हम तो ये कर रहे थे। तो वो कहता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तुम जानते हो हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं। फिर वो एक आध मेंबर था उसे लूफी को गोली मारता है, तो गोली पीछे चला जाता है, फिर अटैक करता है, फिर अंदर से वो किक मारता है। वो कहता है डेविल फ्रूट पावर के लिया है लगता है ये लड़का। उसके बाद फ्रेंकी कहता है वो मेरा प्रे है, तुम उसे मत मारो। तो वो जो गए वो था मेंबर उड़ के आता है, उसे मारता है बहुत, उसको भी बहुत मारता है। फिर वो कहता है क्या स्टो है, तुमने मेरा तबाह किया क्योंकि मैंने 200 मिलियन दिया था बैरी, पर तुमने गैलीला कंपनी को क्यों तबाह किया, क्यों मारा उसे। फाइट कंटिन्यू होता है बहुत अच्छे तरह से। उसके बाद वो एक तरह से लूफी एक कोने में बैठ जाता है, फिर वो पांचों आते हैं और वो उसे कहते हैं कि, और फिर सीन शिफ्ट होता है आइसबर्ग में, जो कि कहता है हम फाइनली वही होगा, निको रॉबिन ही होगा जिसने मुझे मारा है। पर वो दूसरा मेंबर कौन था जो मास्क पहन के आया था, वो कन्फ्यूज में था भी। फिर वो सारे जो आदि वो लोग थे नॉर्मल लोग, वो सोचते हैं कि आखिरकार वो क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि आइस बरसान पहचान चुके हैं कि आखिरकार कल्प्रिट कौन था, और वो सारा पेपर में लिख देता है और वो सारा पेपर सारे को फैला देता है। वो कहते हैं हम खुद कल्प्रिट को ढूंढेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। अब हम अगले एपिसोड में देखते हैं आखिर कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 239 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि गैलीला कंपनी के 5.5 मेंबर लूफी पे अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। लूफी उनसे सह नहीं पाता है, लेकिन लूफी कहता है तुम लोग बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे ये तो बताओ आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। फिर वो चारों पांचों रोकते हैं और वो कहते हैं कि कल आइसबर्ग सान को 2 गोली आगे और 3 गोली पीछे मारा गया, उसे बहुत ब्रूटली अटैक किया गया है। ये सुनता है कि फ्रेंकी शॉक हो जाता है आखिर आइसबर्ग को क्यों अटैक किया गया। फिर लूफी भी शॉक हो जाता है, नामी भी शॉक हो जाती है आखिर ऐसा क्यों हुआ, हम तो उससे मिलने के लिए आए थे। फिर वो सारा मेंबर जो गैलीला कंपनी का था वो कहते हैं कि तुमने क्यों अटैक किया मुझे नहीं पता, पर आइसबर्ग ने कहा है कि वो जो कल्प्रिट है उनमें से उन्हें पहचान लिया है, उसमें से एक थी निको रॉबिन जो एक टॉल लंबी लड़की जिसकी काली हेयर थी। हो सकता है तुमने मुझे इसलिए अटैक किया क्योंकि मैंने तुम्हारा सेब को ठीक नहीं किया था, हो सकता है तुमने पहले ही वाटर 7 आने से पहले मिशन बना लिया होगा कि हम आगे आइसबर्ग को मारेंगे। फिर वो लंबा नाक वाला कहता है क्योंकि तुम लोगों ने गवर्नमेंट का नियम नहीं माना है, तो अब गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर मारेगा, तुमको कानून अपना काम करेगा। पहले लूफी ये सब शौक में सुन रहा होता है, फिर जब वो लंबा नाक वाला ये कहता है तो फिर वो एकदम सीरियस हो जाता है। वो कहता है हाँ हम आउटलाज हैं और हमने ये नहीं किया है, पर अगर तुम रॉबिन को जानते तो तुम कभी ये नहीं कहते कि रॉबिन ने उस पर हमला किया है। लूफी उनसे कहता है कि मुझे आइस बॉब के पास जाने दो, हम उससे बात करेंगे, सारा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। वो कहता है तुम इस तरह से बात मत करो कि जैसे तुमने कुछ नहीं किया है। फिर वो डिसाइड करते हैं उन्हें मारते हैं। वो कहता है तुम पे बुलेट काम नहीं करता, तो हम अब अलग तरह से काम करेंगे, हम अपना प्लान भी स्टार्ट करेंगे। हर कोई अपना आड़ी कुलाड़ी निकाल लेता है, वो 3 छुआ इसे बना निकालता है, वो कोई मारता काटने वाला निकालता है और फिर उस पर अटैक करता है। लूफी डॉज कर लेता है, फिर वो कैनन से करता है वो भी डॉज कर लेता है, उसके बाद वो रस्सी बांध कैसे करता है फिर मारता है वो भी डॉज कर लेता है लूफी। उसके बाद वो दूसरा अटैक करता है, वो अपना चाकू मारता है, दोनों कपड़ा उसका फंस जाता है इधर से, फिर इधर मार देता है यहाँ पे। उसके बाद वो कैनन से अटैक करता है, पर लूफी बचनी वो धमाका होता है, उसके बाद सब तो हंस नहस हो जाता है, फिर बहुत धुआं होता है इसे लूफी दिखता नहीं है। पीछे से जितनी क्राउड वाले मेंबर थे वो नामी को पहचान लेते, वो भी स्ट्रो हैट मेंबर की थी, फिर उसे इसे गला पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है, फिर उसको ही दबोच लेते हैं। तब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, नामी कहते हैं मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है। फ्रेंकी आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है, उसका दोनों बहन भी चाय पी रहे होते हैं। फिर फ्रेंकी कहता है कि तुमने उसे सबक सिखा दिया गैलीला कंपनी, लेकिन वो मेरा प्रे है, पहले मैं उसे मारूंगा फिर तुम मुझे मारना। गैलीला कंपनी के सारे मेंबर कहते हैं कि हम पहले लूफी को सबक सिखा देंगे फिर तुम्हें भी सिखाएंगे, फ्रेंकी तुम थोड़ा शांत रहो। उसके बाद फ्रेंकी अपना एक नया मूव यूज़ करता है, दोनों हाथ ऐसे सेट करता है कनेक्टर और फिर बहुत सारा हवा अपने हाथ में बढ़ता है। सब सोचते हैं कि वो कैनन यूज़ करने वाला है, वो पहले बहुत सारा कैनन उसे गिरा भी चुका है, बहुत हवा भरता है, सबको देख के दंग हो रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो कैनन फायर करता है, एकदम गैलीला कंपनी के सीध में जाता है, वो बहुत जोर से मारता है, जितना बड़ा सीप उसके पीछे था वो सारा सीप तबाह हो जाता है, बहुत भयंकर, सब कुछ गिरता है, तहस नहस होता है। वो कहता है गिरो सब कुछ गिरो, तहस नहस हो, मजा आएगा। सीन पॉली पे शिफ्ट होता है, जो कि कहता है वाह रे वो क्या मारा, एकदम लगा जैसे कि एकदम अटैक, एकदम हरिकेन आ गया।
नामी कहती है, पक्का ये साइबोर्ग है, इस तरह का टेक्नोलॉजी मैंने कभी नहीं देखा था। फिर लूफी उधर से आता है, रोकता है वो उससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, उससे और ज़्यादा चाहिए मुझे हराने के लिए। उसके बाद वो नामी को पकड़ता है, कहता है हम जाएंगे आइसबर्ग के पास और हम अपना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। फिर लूफी अपना गम गम यूज़ करता है, एक बड़ा सा दीवार को पकड़ता है और फिर नामी को भी जोर से पकड़ लेता है। दोनों एक साथ उड़ते उड़ते वहाँ जाते हैं। फिर वो आइस पॉप से मिलने के लिए जा रहे होते हैं बहुत तेज़ी से। अब अगली पार्ट 130 एपिसोड नंबर 239 पार्ट 2। बहुत ही प्यारा सीन से एपिसोड स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि चॉपर और सांजी गोइंग मेडी के पास आते हैं, रोड डिसाइड करते हैं। हमें चॉपर को आगाह करना है कि यहाँ पे एक्वा लगुना आने वाला है जो कि बहुत बड़ा तूफान है, बिना ये चॉपर को जाने की हमने उसे बताया है। तो दोनों बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे हर कुछ डूब जाएगा। ये बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और फिर वो सबको नहीं देखते, वो सोचते हैं अभी भी बहुत बीमार होगा, गिरा होगा। वो और ज़ोर से चिल्लाते हैं। उसके बाद गेट खुलने का आवाज़ आता है केबिन का। फिर वो दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं और बोलते बोलते भागते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। उसब ये सुनता है कि कोई तो दो आदमी बोल रहे थे कि कुछ तूफान आने वाला है। उसब आगाह हो चुका है, उन दोनों का काम सक्सेसफुल होता है। उसके बाद सीन हमारा फ्रेंकी में शिफ्ट होता है। उसके दो बहनें उसे कहते हैं कि तुम अब और क्या करोगे। कहता है कि मुझे अब रिचार्ज होने में टाइम लगेगा, मैंने सारा फ्यूल वो ईयर अटैक करने में ख़त्म हो चुका है। गेरिला कंपनी के सारे मेंबर को दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं कि फ्रेंकी बहुत बड़ा अटैक कर दिया, हमने सोचा नहीं था कि ये करेगा। फिर वो कहता है हमें लूफी को रोकना है क्योंकि वो दूसरा अटैक भी कर सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नामी और लूफी पे, जो कि एक बड़े से बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और उसके सामने बिल्डिंग है, जो सोचते हैं कि ये वही बिल्डिंग होगा जहाँ पे आइसबर्ग होगा। फिर नामी कहती है और कहाँ हो सकता है, यहीं पे होगा। उसके बाद लूफी कहता है हम उसके पास जाएंगे, बात करेंगे, तभी ये प्रॉब्लम खत्म होगा। तो अपना गम गम यूज़ करता है और जाकर खिड़की तोड़ता है, खट से अंदर घुसता है। ये देख लेता है हर कोई हर तरफ से लूफी को, हर कोई दौड़ाता है, कोई इधर से दौड़ाता है, लूफी इधर भागता है, कोई इधर मारता है, उधर भागता है, लूफी हर तरह से बच बचा के भाग रहा होता है। सीन आइसबर्ग में शिफ्ट होता है, जो कि कहता है कालिफा मुझे एक तुम प्लान है मेरे पास। तो कालिफा बाहर जाती है और लूफी को बोलते हैं लूफी तुम इधर आओ। फिर वो सारी भीड़ पूछते हैं लूफी कहाँ पे है, कहाँ पे वो पायरेट। कहता है अगर इधर आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर लूफी आइसबर्ग के रूम पे अंदर जाता है। फिर लूफी उससे पूछता है कि ये क्या हो गया। तो कहता है कि मैं पक्का जानता हूँ कि वो निको रॉबिन ही थी जिसने मुझे आके अटैक किया है। तो फिर वो कहता है ऐसा नहीं कर सकती वो, क्योंकि आइसबर्ग कहता है कि मुझे निको रॉबिन चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें बचाना चाहता। तो उसके ऊपर गन टान देता है और फिर सीरियस मूड हो जाता है पूरा। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो जो सारा गेरिला कंपनी का था, वो कहता है वहाँ पर सिर्फ दो सी ट्रेन ही है जो भी डिपार्चर होगा और लूफी का सिप खराब है। इसका मतलब वो अगर भागेगा यहाँ से तो वो सी ट्रेन से ही भाग सकता है, इसलिए सी ट्रेन पर नज़र रखना है। पूरा खबरी जितना सिप राइट है हर कोई अच्छे से नज़र रखो वहाँ पर। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो भीड़ था उसमें से पेपर बांटने वाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके पेपर बांटता है कि वो उन्हें पता चल चुका है कि स्ट्रोहेड पायरेट ही है जो कि अटैक किया था आइसबर्ग पे। फिर हमें सी ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो पोती शुरुआत में जो दिखाई थी वो अच्छे से आ रही है वाटर सेवन के आर्क में। उसके बाद रॉबिन को दिखाया जाता है जो कि वो जो पेपर उड़ रहा था उसे पकड़ के वो पढ़ रही होती है कोने में। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कहानी किस तरह से आगे बढ़ता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 240। हमें दिखाया जाता है आइसबर्ग लूफी को कहता है मैंने तुम्हें इस रूम में इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुमसे सिर्फ बात करूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे निको रॉबिन ला के दो। लूफी कहता है मैं निको रॉबिन कहां पे है मैं नहीं जानता। तो फिर एक गन फायर का आवाज आता है और सब कुछ जाता है आइसबर्ग के रूम पे और देखता है क्या हुआ। तो देखता है खिड़की खुला हुआ है और धुआं निकल रहा है उसका गोली से। उसके बाद सीन लूफी पे शिफ्ट होता है जो कि नामी को कहता है कि मैं ये बिलीव नहीं करता कि रॉबिन ने कुछ ऐसा किया हो। और फिर नामी कहते हैं क्या उसने हमें धोखा दे दिया। और फिर हम आगे देखते हैं।
हमें दिखाया जाता है कि कोकड़ो सान और उसका पोती आइस ट्रेन से आ रही होते हैं, वो लैंड कर लेते हैं वाटर सेवन में। उसके बाद उन सभी से उनका मास्क उतारा जाता है और उनसे वो एक आदमी से पूछती है आखिर ये कमोशन हो क्या रहा है, तो वो कहता है किसी ने आइसबर्ग पे अटैक कर दिया है और वो शक है कि वो पायरेट ही अटैक किया है। अब हम आगे देखते हैं कि लूफी उस बड़े से बिल्डिंग से जंप करते हुए आता है, अपना हयात स्टेज करता है, नामी को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, वो भी उस फ्रैंकी गाय जैसा उड़ते उड़ते आता है और अच्छे तरह से वो लैंड करता है। फिर नामी कहते हैं तुम इतना रेकलेस तरह से क्यों मुझे ले जा रहे थे, मैं मर भी सकती थी। और फिर वो कहते हैं फाइनली हम आ गए तो कोई बात नहीं। उसके बाद हमें एक बाढ़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी अंदर जाता है और वो कहता है हम मुझे जो मैं हमेशा मांगता हूँ तुम मुझे दो कोला। तो वो बोलता है कि पैसे तो है तुम्हारे पास, वो कहता है पैसे तो उसका दो असिस्टेंट जो है वो पैसा निकाल के देता है और वो पैसा सब में लौटा देता है और कहता है तुम सभी का खाना पीना आज मेरे तरफ से। और फिर वो बारटेंडर उसे 3 कोला का बोतल देता है, वो अपना पेट में फिट करता है और अपना एक सीन दिखाया जाता है और वो फ्यूल अप हो चुका है, मतलब फ्रैंकी का फ्यूल है कोला। वो उसे कोला पीने के लिए भी देता है लेकिन उसके पास में ही ग्रेनी कोकड़ो बैठी रहती है और उसका पोती कहते मुझे भी कुछ पीने के लिए चाहिए। वो बारटेंडर कहता नहीं बच्चों के लिए ये नहीं है। तो फिर वो कोकड़ो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि पायरेट ही उसे अटैक किया होगा। तो फिर कहता है हू नोस। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो CP9 का काम होगा जो कि सीक्रेट काम करते हैं, कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट रिलेटेड इशू है ये। और फिर कहता है ये तो र्यूमर है क्या तुम उसे मानते हो। बोलते हैं हाँ मैं नहीं मानते पर ये र्यूमर सच हो सकता है। कोकड़ो बारटेंडर से भी कंफर्म करती है, पूछती है बोलते है, मुझे नहीं पता क्या जाने क्या है ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। सीन रॉबिन पे शिफ्ट होता है जो कि अंधेरे में किसी दो आदमी से बात कर रही होती है। उसमें से वो जो बैठा हुआ आदमी रहता है वो कहता है कि वो जो टाको सान है उसका कुछ वो अकेला चेला है और वो कुछ तो है जो हमें नहीं बताए, तो हम दोबारा उसके घर में जाके इन्फिल्ट्रेट करेंगे और हो सके तो हम सारा एविडेंस भी मिटा देंगे अगर जरूरत पड़ेगा, तो अब हो सकता है वो दोबारा अटैक करने के लिए जाए। वो ये भी कहता है इस इंसिडेंट के बाद हर कोई तुम्हें खोज रहे होंगे रॉबिन। रॉबिन कहती है बिल्कुल हमें खोज रहे हैं। वो रॉबिन को कहता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का पीस के लिए है। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। एपिसोड नंबर 240 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि बड़े से बिलबोर्ड में वहाँ पे हर तरफ से स्पीकर में ये अनाउंस हो रहा है कि एक्वा लगवा आने वाला है, हर कोई अपना घर को सील कर दे और हर कोई यहाँ खाली कर दे। तो सारा सिटीजन जो अपने रूम को घर को मेटल जो सीट से एकदम अच्छे तरह से सराउंड कर रहे हैं, अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं ताकि जब वो तूफान आए हर तरफ पानी भर जाए तो उसका घर में कुछ घुस ना जाए। हर कोई अपना घर से सर जरूरी सामान अपना लेके जा रहे हैं, अगोड़ा में अच्छे से बोट में अच्छे तरह से सब कुछ डाल के लेके जा रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। सीन जोड़ों में शिफ्ट होता है जो कि इधर से उधर भाग रहा है क्योंकि बहुत सारा आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद एक पोस्टर उसके मुंह में आता है, फिर वो देखता है तो उसे कुछ दिखता नहीं है। वो पेपर पढ़ता है तो उसे समझ आ जाता है अच्छा इसलिए वो हमारा पीछा कर रहे हैं। उसके बाद जिस घर में वो लोग रात रुके थे उस घर का मालिक से पूछता आखिरकार वो लोग कहाँ गए, तो पूछता मुझे नहीं पता वो लोग सुबह ही कुछ देर पहले ही यहाँ से खाली कर गए हैं, हालांकि उसका सामान यहीं पे, वो लोग वापस यहाँ पे ज़रूर आएंगे। फिर वह सारा सिटीजनशिप राइट अच्छी तरह से सबको खोज रहे होते हैं, वो गोइंग मेरी में भी जाते हैं वहाँ कुछ नहीं दिखता, तो वो बोलते हैं कि ये लोग शिप को खाली करके चला गया, ये शिप खराब हो चुका है इसलिए वो खाली करके चला गया होगा, लेकिन वो सब दूर से वहाँ पर निशाना बना के रहता है अगर कुछ होता है तो वो अटैक करेगा। वो लोग सिर्फ सर्च करते हैं कोई नहीं मिलता है तो वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। नामी और सांजी को दिखाया जाता है, वो दोनों अच्छे तरह से इधर से उधर भाग रहे होते हैं और फिर छुप रहे होते हैं। सांजी और चॉपर सी ट्रेन का डिपार्चर लिस्ट में देखते हैं कि एक ट्रेन और डिपार्चर हो चुका है, हो सकता है रॉबिन वहाँ से चलेगी हो, लेकिन रॉबिन वहाँ से नहीं जाती है। फिर उस चॉपर को कुछ सुहाई देता है, वो उधर दौड़ता है फिर जाता है, फिर सांजी उसका फॉलो करता है तो उसे वो दिखता है कि वहाँ पर रॉबिन है। तो फिर रॉबिन को कहता है कि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है जब तुम यहाँ पे नहीं थी। फिर वो कहता है कि हम पायरेट पे कुछ भी इंजाम लगा दिया जाता है जो हमने नहीं किया है। तो फिर रॉबिन कहते हैं कि वो जो हुआ है मैंने सही में किया है, मैंने उस आइसबर्ग को गोली मारा है और मैंने ही असासिनेट किया है, मैं पास्ट में बहुत कुछ किया है। कहती अब से मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैंने जितना समय गुजारा है वो बहुत अच्छा समय था। फिर वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन सांजी और चौपड़ उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, वो रुकती नहीं है। फिर वो अपना टप टप करके बहुत ही काम बहुत अजीब सा सीन होता है, वो वहाँ से चले जाती है। उसके बाद चौपड़ रोता है रुको रॉबिन,
लेकिन वो नहीं रोकती है। फिर सांची भी अपना नदी में कूद जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो चले जाती है और फिर वो बीच नदी में रुक जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि एपिसोड किस तरह से प्रोसीड करता है। वन पीस एपिसोड नंबर 241 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि सांजी और चौपर रॉबिन को रोकने के लिए पानी में कूद जाते हैं, पर रॉबिन चली जाती है। तो सांजी एक प्लान बनाता है और वो चौपर को कहता है तुम लूफी के पास जाओ और वर्ड टू वर्ड जाके लूफी को बताओ, और वो कुछ उसका पीछा करने वाला या कुछ ऐसा प्लान बनाने का सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है और लूफी, जोरो और नामी बहुत तेजी से आगे भाग रहे होते हैं। उसके पीछे सारा एंग्री क्राउड उसका पीछा कर रहा होता है। उसके बाद वो एक टर्न लेते हैं पर जोरो आगे ही चला जाता है। लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके उसे पकड़ता है और वो छुप जाते हैं। और फिर वो सारा एंग्री क्राउड खोजते हैं कहाँ पे, पर दिखाया जाता है कि लूफी जो है अपना हाथ को स्ट्रेच करता है और पुल के नीचे लटक रहा होता है, और सांजी और वो नामी और जो जोड़ो है दोनों उसका ऊपर बैठे रहते हैं और वेट करते हैं जब तक वो क्राउड वहाँ से चले नहीं जाता है। वो क्राउड वहाँ से जाता है और चौपर वो नीचे जाता है और देखता है कि लूफी नीचे है, तो लूफी ये देख के घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो सारा ऊपर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक टिम्बर और हार्डवेयर के दुकान में, जहाँ पे उसोप जाता है और उस दुकानदार से कहता है कि मुझे कुछ लकड़ी चाहिए, कुछ कील चाहिए और रस्सी चाहिए और बहुत सारा सामान वो मांगता है। कहता है मेरे पास पैसे हैं, हम देते हैं, लेकिन वो दुकान बंद कर रहा होता है। तो वो पैसा निकाल के देता है और वो दुकानदार देखता है कि वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड है उसे, और उसको भूख भी लगा है, वो बार बार साउंड आ रहा होता है भूख का। तो फिर वो दुकानदार पहले मना करता है, फिर बाद में बोलता है ठीक है तुम ले जाओ। तो सारा उसको जितना चाहिए उसको लकड़ी और रस्सी, नील और कुछ आइटम्स और देते हैं। तो फिर वो सब वो सारा सामान को अकेले उठा के जा रहा होता है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है, ले जाता है, फिर गिरता है। वो दुकानदार बोलता है तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारे साथ आए हों ले जाने के लिए? तो फिर थोड़ा होता है, उसके बाद वो दुकानदार उसे कुछ खाने के लिए देता है राइस बॉल कि ये ले जाओ तुम भूखे होगे खा लो। उस सब गोइंग मेरी में जाता है और फिर बैठ के वो राइस बॉल खाता है। अच्छे तरह से गोइंग मेरी को रिपेयर करने का कोशिश करता है। वो कहता है तुम ठीक हो गोइंग मेरी, अभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है क्योंकि तुम उड़े भी थे, तुम बहुत बड़े बहादुर शिप हो। सीन बाढ़ में शिफ्ट होता है जहाँ पे फ्रेंकी को लूफी से फाइट करने वाला सीन याद आता है और वो एकदम गुस्सा हो जाता है, एक चेयर को तोड़ देता है, टेबल को तोड़ देता है, और उसके बाद वो बाहर चले जाता है। कहता है मुझे वो रैम्पेज करना है एकदम। सब कुछ सोचता है आखिर इसको अचानक हो गया क्या। तो कोकोड़ो कहती है कि इसको जो हुआ हुआ, ये इडियट है और इडियट क्या करता है इडियट ही जाने। उसके बाद चौपर, जोड़ो, नामी और लूफी आपस में छत के ऊपर बैठे रहते हैं और वो बात करते हैं। फिर वो जो चौपर है वो उन्हें कहता है कि रॉबिन हमें ये बात कह के चली। लूफी ये बात मानता नहीं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जोड़ो कहता है ये वो नहीं है जो हम शुरुआत से इसके लिए तैयार थे, क्योंकि वो शुरुआत हमारा दुश्मन ही थी जब वो हमारे ज्वाइन करी थी। तो अब हम उसे पकड़ते हैं और सच क्या ही हम जानते हैं। तो हर कोई डिसाइड करता है कि वो चौपर रॉबिन को पकड़ेंगे। वन पीस एपिसोड नंबर 241 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि चौपर बहुत अच्छे से डिटेल में बताता है कि रॉबिन ने क्या क्या कहा। ये सुन के जोड़ो शक करता है, वो कहता है पक्का वो हमारा दुश्मन है पर वो दोस्त भी हो सकती है, तो मैं दोनों एक्शन लेने के लिए अच्छे से तैयार हूँ। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो उसके हंट करेंगे, उसका पीछा जाएंगे। फिर नामी कहती है उसके साथ एक बड़ा सा मास्क वाला मैन होगा, हो सकता है कि उसके कहने पर रॉबिन ने कहा वो उसको कंट्रोल कर रहा होगा। वो ये भी कहते हैं कि हम रॉबिन का पास्ट अभी तक जानते नहीं है, ये सही मौका है उसका पास्ट जानने का। तो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे गैलीला कंपनी के हेड ऑफिस में, वहाँ पे वहीं पे रहेंगे जब रॉबिन वहाँ पे अटैक करेगी उसका मर्डर करने के लिए आएगी। फिर गैलीला कंपनी के सारे सेपराइट जो अच्छे तरह से सबको खोज रहे लूफी टीम को, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो सी ट्रेन को भी खोजते वहाँ कोई नहीं मिलता है। सीन फ्रेंकी में शिफ्ट होता है जो कि अच्छे तरह से जा रहा होता है लूफी को खोजने के लिए। उसका दोनों बहन भी जा रहे होते हैं इसे पीछे क्रैब वॉक करके। उसके बाद उसे कुछ नहीं मिलता है। तो फिर उसका चारा जितना जेला वाला था वो लोग आता है, वो कहता है वो लॉन्ग नोज जो है अकेले वहाँ पे सिप क्यों ठीक कर रहा है, हम सोचे कि तुमने उस सबको मार दिया और वो अकेले बचा इसलिए वो अकेले ही सिप को ठीक कर रहा है। तो बोलता है कि तुम ऐसा खबर फैला दो कि हमने लॉन्ग नोज को पकड़ लिया और उसे बंधक बना लिया है और तुम उसे लाओ, और जब नहीं तो हम उसको खूब मारेंगे, मतलब एक तरह से होस्टेज वाला बंदी देना है। फिर हमें सीन एक कॉमन हॉल में शिफ्ट होता है जहाँ की सारा मेंबर जो है अच्छे तरह से आ चुके हैं और बच्चे लोग खेल रहे हैं कि एक्वा लगुना आने वाला है। वो बहुत अच्छे से बच्चे खेलते हैं, लेकिन सारा बड़ा मेंबर चिंतित रहते हैं कि वो अभी तक पायरेट पकड़े नहीं गए।
वो लोग ये भी सोचते हैं कि उसका 50 नंबर का गुरु होगा, 100 नंबर का गुरु होगा, एक तरह से र्यूमर कर रहे हैं। और वो लोग कहते हैं कि वो जो कंपनी है डॉग नंबर वन में, उसको आज सब के लिए ला के टॉप सिप राइट और सारे सिप राइट मिल के गार्ड कर रहे हैं, वो इसे कुछ नहीं कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है डॉग नंबर वन में हेड ऑफिस में, जहाँ पे हर सिप राइट एकदम अच्छे से गार्ड कर रहे होते हैं। वो टॉप का 5 सिप राइट जो है फ्रंट गेट में रहते हैं और बाकी सब हर तरफ से सराउंडेड रहते हैं। फिर वो आइसबर्ग से वो जो गैलीला के वो जो ऑफिसर है वो उससे पूछती है कि आपके रूम में वो निको रॉबिन का पोस्टर क्यों है, तो कहता है तुम ये नहीं जानना चाहोगी। उसके बाद वो बताता है वो एक डेविल है। हमें दिखाया जाता है कि लूफी सान जोड़ों को पकड़ के भाग रहा होता है, और फिर चॉपर जो है सुनामी को लेके कूद कूद के जा रहा होता है। वो जाके एक पेड़ में जाके बैठते हैं और वो कहते हैं हम तब तक यहाँ वेट करते हैं जब तक कि रॉबिन वहाँ पर ना आ जाए। उसके बाद जब वो वेट करेंगे और फिर जब रॉबिन अटैक करेगी तो हम जाके उन्हें बचाने के लिए जाएंगे, तब तक हम यहीं रहते हैं ताकि वो सारा जो कमोशन है हमारे कारण काउस ना हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक पेड़ में एक लेडी है जो कपड़ा बहुत बड़ा कपड़ा पहना हुआ है, और फिर वो जो मास्क मैन था वो हो सकता है कि वो रॉबिन और को मास्क मैन हो ताकि उसका अटैक करने के लिए आए हो। वन पीस एपिसोड नंबर 242 पार्ट 1। हमें दिखाया जाता है कि लूफी पेड़ में बैठा हुआ है, उसके साथ बाकी मेंबर भी हैं, और वो कहता है कि हम इस समय कोई भी रकस काउस नहीं करेंगे जिससे वो लोग हम पे हमला करने लगे, जब वहाँ पे कुछ हमला होगा तब हम वहाँ पे जाएंगे। फिर नामी कहती है ये बोल कौन रहा है जो भी इस दोपहर में हल्ला करके घुस गया था। सीन गैलीला कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ का हर कोई अच्छे तरह से गार्ड कर रहे हैं, कहते हैं कोई भी आएगा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक पत्ता मूव नहीं करने देंगे। उसके बाद आइसबर्ग जो है कालिफा को कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओगी बाहर और पॉली को अंदर सेंड कर देना। तो फिर वो बाहर जाती है, पॉली को अंदर जाने बोलती है। पॉली उससे कुछ बात करता है जो हमें कुछ सुनाई नहीं देता है, वो सीक्रेटली बात करते हैं, बस हमें मोशन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पॉली बात करके आ चुका है आइसबर्ग से, और वो अचानक नीचे जाता है और फिर वो दरवाज़ा खोलता है, डेस्क हटाता है और खोलता है, वो सब उसको आइसबर्ग कहता है। और वो एक लॉक का कॉम्बिनेशन खोल ही रहा होता है कि हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ पे रॉबिन उसके साथ और कुछ मेंबर होते हैं, उन्हें सिग्नल दिया जाता है कि बम फोड़ के कि अब टाइम आ चुका है, तुम लोग हमला स्टार्ट कर दो। हमला स्टार्ट हो चुका है, हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए जा रहे हैं, और फिर ऊपर जो 4 मेंबर था उसमें से 2 मेंबर भी नीचे चले गए उन लोगों का मदद करने के लिए। और अब आइसबर्ग को मदद करने के लिए 2 बचे हुए, एक बड़ा नाक वाला और एक जिसका वो चुपचाप जो रहता था। उसके बाद निको रॉबिन उसके साथ और 2 मेंबर जो हैं बाकी सारा सिप राइट से फाइट कर रहे होते हैं, और फिर वो बम फोड़ते हैं और फिर नीचे जाते हैं। फिर सीन सेट होता है उस पेड़ में जहाँ पे लूफी और बाकी सब वहाँ पे हैं, और जोरो बोल रहा होता है कि वहाँ बहुत हमला हो रहा है अब क्या करें हम। तो फिर वो जब नीचे पीछे मुड़ के घूमते कि देखते हैं तो वहाँ पे लूफी है ही नहीं। फिर वो सब शौक हो जाते हैं कि हम लोग प्लान बनाए थे वो प्लान का क्या हुआ, सब प्लान चौपट कर दिया लूफी। अब हम अगले पार्ट में देखते हैं कहानी किस तरह से प्रोसीड होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 242 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन और उसके साथ जो मेंबर है एक दीवार के आगे आ चुके हैं और हर तरह से सिप राइट उसको कॉर्नर कर चुके हैं। वो सब उस पर गोली टांग देते हैं, फायर करते हैं, पर वो एक लाल कपड़ा उठाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है, वो कपड़ा छलनी छलनी हो जाता है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेंबर जो है वो अपना चाबुक चलाता है और सबको मारता है, वो अचानक हवा में उड़ता है। फिर वो कहती है कि एक लड़का आदमी बोलता है कि वो हवा में उड़ती है, वो सबको देखता है, अरे सच में एकदम मून वॉक करके इधर से उधर उड़ के जा रहा है, सबको मार कुटाई कर रहा है। उसके बाद सीन हमें पॉली में शिफ्ट होता है जो कि उस लॉक को खोल के अपना एक नक्शा निकालता है, और 2 मेंबर आते हैं जो कि कहता है वो हमें चाहिए, हम लोग जो हैं CP9 है। फिर वो हमें CP9 का मतलब समझा, साइफर पोल नंबर 9 अंडरकवर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टीम इंटेलिजेंस एजेंसी। वो कहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो तुम्हें पता चल गया आप तुम भी मरोगे, और हमने सारा सिपराइट बाहर वाला सबको टपका डाला है। तो डर जाता है, उसका हाथ कांपता है। उसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है रॉबिन और उसका साथी जो है एक दरवाजे के पीछे जाता है, वो इस तरह से खड़ा होता है, बोलता है रॉबिन थोड़ा ढक लो उनको, वो ढकेलता है और इससे दरवाजा की तरह वो खुलता है और अंदर चले जाता है। फिर वो दरवाजा को उधर सेट कर देता है और फिर वो बताता है कि उसने डोर डोर फ्रूट खाया था जिसके कारण से वो किसी भी दीवार में जाता है तो उसको दरवाजा की तरह यूज़ कर सकता है।
तो फिर आइसबर्ग को पता चल जाता है आखिरकार वो पिछले टाइम हमला जो हुआ था किस तरह से कोई भी एविडेंस नहीं था, वो इस तरह से ही स्नीक आउट करके अंदर घुसा था। और फिर वो डोर डोर फ्रूट खाने वाला आदमी उसको एक गोली मारता है कंधा में और वो गिर जाता है। फिर वो बोलता है, यार मैंने लूफी को बेकार ही बोल दिया कि उसने मुझे मारा था। लूफी के लिए थोड़ा अफसोस जताता है, लेकिन वो लोग कहता है वो हमारा प्लान था ताकि तुम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट पे शक करो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे, यही प्लान था उनका। उनके बाद वो कहता है कि हम जानते थे जब तुम्हारा लाइफ डेंजर में होगा तब तुम अपना जो सीक्रेट वो ब्लू प्रिंट है मैप का तुम ऐसे आदमी को सौंपेगे जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो, और तुम पॉली में ट्रस्ट करके नीचे भेज दिए और हमारा मेम्बर उसे वो लेने के लिए जा चुका होगा। उसके बाद वो जो है वो आदमी वो बाहर जाता है मेम्बर को मारने के लिए कोई इलाका, और कहता है रॉबिन को तुम इसे टपका डालना तक हम उसे संभालते हैं। उसके बाद सीन हमें जोड़ो नामी और चौपर में दिखाया जाता है जो कि दौड़ते दौड़ते केलीला कंपनी की ओर जाते हैं और लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग फ्रंट डोर से जाएंगे क्योंकि लूफी वहाँ फ्रंट डोर से गया होगा तो सारा कंपो उसका पीछा कर रहा होगा तो फ्रंट डोर खाली होगा। इसी तरह से डिटेल प्लान बनाते हैं और वो जाते हैं, और जब वो जंप करके वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सारा सिप राइट वहीं पर है, कोई कहीं नहीं गया है। ये देख के कहते हैं ये किस तरह का प्लान हमने बना दिया। हमें दिखाया जाता है कि लूफी जो है फ्रंट डोर से ही जाने वाला था लेकिन वो दो बिल्डिंग के बीच में पचक जाता है, वो बीच में आके फंस जाता है, उसके बाद वो आगे मूव नहीं कर पाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये एपिसोड किस तरह से आगे बढ़ता है। थैंक यू। वन पीस एपिसोड नंबर 243 पार्ट 1। जो इंसान डोर डोर फ्रूट खाया था वो हर तरफ मौत का कोहराम मचा देता है, किसी को मारता है, जो टॉप सीक्रेट मेंबर था उन्हें भी मारता है। उसके बाद वो बॉडी बिल्डर उनसे लड़ने के लिए जाता है लेकिन वो अपना आयरन हैंड यूज करता है, उसका हथौड़ा तोड़ देता है। बहुत खतरनाक फाइट होता है लेकिन उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। उसके बाद जोरो नामी और चौपर में सेम सेफ होता है जो कि एक दूसरे भाग रहे होते हैं। फिर वो डिसाइड करता है जोरो कि हम उससे लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं। वो अपना तलवार का पिछला साइड यूज करता है, उन सभी को घायल कर देता है। सीन सिर्फ रॉबिन पे होता है। आइसबर्ग कहता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ पे मिलोगी। वो कहता है कि मैं तुमसे हमेशा मिलना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हारा पोस्टर रखा था ताकि मैं तुम्हें भूल ना जाऊँ। फिर रॉबिन कहते क्या मैं इसमें ऑटोग्राफ दूँ। फिर वो कहता मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, और गोली क्लियर करता है और वो रॉबिन में चार तरफ से गोली कर देती। फिर वो बताता है कि वो उसे क्यों मारना चाहता है। वो इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो पोनी ग्लूप सर्च कर रही है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसके बारे में डिसाइफर करने के। रॉबिन कहती है तो तुम भी तो पोनी ग्लूप के बारे में जानते हो। पता है पोनी ग्लूप के बारे में जानना गुनाह नहीं है, उसे डिसाइफर करना गुनाह है। इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर 8 साल की उम्र में ही उतना ज़्यादा बाउंड्री रख दिया था क्योंकि जानते थे तुम कितने ज़्यादा थ्रेट पोजेस करती हो वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। वो डरते थे तुम क्या कर सकती हो, तुम सारा एंसेंट वेपन को रिस्टोर कर सकती हो, क्यों उन्हें रिस्टोर करना चाहते, वो एंसेंट में दब चुकी उन्हें दबे रहने दो। तो रॉबिन कहती है मतलब तुम भी इसके बारे में जानते हो। तो फिर वो आइसबर्ग कहता है कि मतलब तुमने CP9 को ज्वाइन किया है और लूफी टीम को छोड़ दिया है। रॉबिन कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। फिर वो कहता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन अगर तुम पोनी ग्लूप को डिसाइफर करती हो और वो पुराना वेपन को फिर से रिस्टोर कर देती हो तो इसे कौन यूज़ करेगा, कोई मतलब नहीं है, दोनों से इक्वल तबाही मचेगा। कहता है वेपन से हमेशा पीस कभी नहीं होता, हमेशा डिस्ट्रक्शन ही होता है, इसलिए जो वेपन को हमने दबा दिया उन्हें दबे रहने दो, पास्ट का चीज़ को मत उखाड़ो तुम। फिर रॉबिन उसे कहती है तुम भले सही कर रहे हो लेकिन ये मैं क्या सीखूंगा, मुझे क्या नॉलेज सीखना है क्या नहीं सीखना है ये मुझे तुम मत बताओ, ये मैं डिसाइड करूंगी। पर आइसबर्ग कहता है कि तुम सर ये जानती नहीं लेकिन हम दोनों सेम ही जगह हैं, मुझे उस बारे में पता है। वो कहता है कि मेरे पास प्लूटोन का ब्लूप्रिंट है, प्लूटोन जो एक एंशियंट वेपन था। वो सुनती है क्या ये सच है, प्लूटोन सच में एग्जिस्ट करता है। फिर वो बताता है कि प्लूटोन जो है एक शिप का नाम था जो कि इसी आइलैंड में बहुत सालों पहले बना था, वो एक बैटल शिप था और जो शिपराइट प्लूटोन को बनाए थे वो एक ब्लूप्रिंट भी बनाए थे ताकि प्लूटोन अगर किसी गलत हाथ में पड़ गया तो वो शिप उसका ब्लूप्रिंट का यूज करके दोबारा से प्लूटोन जैसा खतरनाक शिप बना सके।
और ऐसा होता उससे पहले ही वो जो प्लूटोन शिप था वो कहीं गायब हो गया, और अब गवर्नमेंट चाहता है ये प्लूटोन का जो ब्लूप्रिंट था उसे वापस वो लोग बनाए, उस ब्लूप्रिंट को हासिल करना चाहता है। हालांकि प्लूटोन को अपोज करने के लिए कोई दूसरा शिप नहीं है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ये क्यों बनाना चाहता है? रॉबिन को कहता है कि शायद तुम ये बात नहीं जानती हो इसलिए तुम उसका मदद कर रहे। उसके बाद कहता है वो ब्लूप्रिंट जो मुझे दिया था एक टॉम नाम का आदमी दिया था, और मुझे ये भी कहा था कि एक छोटी सी लड़की है उसके बारे में वो बहुत चिंतित था। वो 20 साल पहले ओहाड़ा इंसिडेंट में वो अकेली लड़की थी जो वहाँ से बच के गई थी। वो कहा कि वो बच्ची बहुत छोटी भले हो लेकिन वो बहुत ही खतरनाक डेंजरस है, क्योंकि उसको उस सेम आइडियोलॉजी फॉलो करती जो ओहाड़ा विलेजर्स फॉलो करते थे। और वो कहता है कि मैं उसका विल को कैरी करता हूँ, इसलिए मेरा राइट है, मेरा इस इच्छा है कि मैं उसका पूरा करूँ और तुम्हें मारूँ। और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उस मैप के पीछे पड़ चुका है, इसलिए मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं तुम्हें मारूँ, और ये बेटर होगा कि मैं वो मैप को जला ही दूँ, और मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि तुम जिंदा हो। इसलिए अभी एक चांस है कि वो वेपन को दोबारा रिस्टोर किया जा सकता है। ये बोलने के साथ वो रॉबिन पे गोली चलाने के लिए गोली दागता है, लेकिन रॉबी अपना पावर यूज़ करती है और उसे रिस्ट्रेन कर देती है, उसको ज़मीन में टेक देती है। फिर उसे रिस्ट्रेन करके बोलती है क्या तुम यही करना चाहते थे मरने से पहले? फिर कहता है अगर तुम मुझे रोक भी लो तो तुम वो रिस्टोर करने वाला चीज़ को रोक नहीं सकते, प्लूटोन से रिस्टोर हो ही जाएगा। फिर रॉबिन कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ब्लूप्रिंट अगर मैं नहीं कर पाऊंगी तो उन्हें नहीं मिलेगा, वो किसी तरह से ब्लूप्रिंट ले ही लेंगे। फिर वो आइसबर्ग कहता है कि हाँ बात तो सही है लेकिन तुम मेरे प्लान में फंस चुकी हो, आगे देखते हैं क्या होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 243 पार्ट 2। हमें दिखाया जाता है लूफी वो दो बिल्डिंग में जो फंस चुका था वो अपना गम यूज़ करता है और खींच के अपने आप को बाहर निकालता है। उसके बाद वो गम रॉकेट का यूज़ करता है, बिल्डिंग पकड़ता है और अपने जोर से जंप करके जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि पॉली के हाथ में वो मैप है और वो दो मेंबर जो CP9 के थे वो उन पर अटैक करते हैं, पूरा गोली से छलनी कर देता है उसको। फिर वो छलनी करने के बाद भी वो मैप नहीं देता है, फिर उसको फाइनल अटैक करता है और फिर उससे मैप लेता है। मैप लेके जब खोलता है तो कहता है कि तुम लोग मुझसे मैप तो ले लिया पर तुम फेल हो गए क्योंकि ये नकली मैप है। उसने मुझे कहा था कि तुम बस मैप खोलो और भागो वहाँ से, पर मैं लड़ा उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो थोड़ा पछताता किया कि मुझे उसका बात मान लेना चाहिए, लेकिन वो तो है। फिर लूफी अचानक से वो जो गम यूज़ किया था फिर जाके दीवार में टकराता है, छेद हो जाता है, वो अटक जाता है। उसके बाद वो जो CP9 का मेंबर था वो अपना एक ट्रेवल किक यूज़ करता है और उसे लूफी को वहाँ से आज़ाद करता है। फिर लूफी अटैक करने के लिए जाता ही है कि वहाँ से वो अपना एक नया पावर यूज़ करता है, पूरा एकदम हथकड़ी पहना देता है, दीवार में उसको ठोक देता है लूफी को। उसके बाद पॉली भी अटैक करने जाता है लेकिन पॉली को भी ठोक देता है, उसे मारता नहीं है। उसके बाद वो एक कॉल लगाता है अंदर, वो कहता है कि हमको धोखा दिया गया है, ये नकली मैप है। तो फिर वो जो फ्लाइंग किक वाली थी वो जल्दी से अपना काम सॉर्ट आउट करती है, सबको मार कुटाई करता है और फिर वहाँ से उड़ के वो ऊपर चले जाता है। और फिर वो दोनों मेंबर भी उड़ के ऊपर चले जाते हैं। फिर वो जाके आइसबर्ग के रूम में सारा कोई कलेक्ट एकदम हो जाते हैं। उसके बाद वो सब बताते हैं कि तुम मुझे बता दो वो मैप कहाँ पर है। आइसबर्ग कहता है मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता। फिर वो कहता है तुमने हमें डिसअपॉइंट किया, तुम वर्ल्ड गवर्नमेंट को प्लूटोन का ब्लूप्रिंट दे दो। उसके बाद वो सारा मास्क मैन अपना मास्क देर देर करके उठाते हैं, तो हमें दिखाया जाता है वो जो उठाया वो कबूतर वाला आदमी था, फिर दूसरा उठाया वो उसका असिस्टेंट था, और फिर तीसरा जो उठाया वो बारटेंडर था, और फिर चौथा जो उठाया वो नॉर्मल नाक वाला था। और फिर वो आइसबर्ग था, क्या तुम लोग सारा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते हो? ये देख के आइसबर्ग एकदम शॉक में चले जाता है और फिर कहता है कि अगर सब कुछ सच ही कर रहा है तो मैं तुम्हें कहता हूँ तुम हमें बता दो उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है, जाके किसी को चोट ना लगे। बहुत ही एग्रेसिव आवाज़ में पूछता है वो कि प्लूटोन का ब्लूप्रिंट कहाँ पे है, एंशिएंट वेपन प्लूटोन का ब्लूप्रिंट कहाँ पे है। और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। वन पीस एपिसोड नंबर 244। हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंकी जो है वो सब का सिर को देख रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो सिर के पास आता है और वो कहता है कि स्ट्रो हेड क्वाइट के साथ मेरा कुछ बिजनेस अभी बचा हुआ है,
इसलिए मैं तुम्हें हॉस्टेज बनाऊंगा और उसे बुलाऊंगा। तब तक तुम मेरे हॉस्टेज हो और तुम जब तक शांत रहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। उसके बाद सीन लूफी में शिफ्ट होता है जो कि अपना गमगम पावर यूज़ करता है और उस सारा बंधस से अपना आप को रबर मैन की तरह यूज़ करता है और यूं बाहर निकल जाता है। फिर वो जो है पॉली को भी बाहर निकाल देता है। उसके बाद जोड़ो, नामी और चॉपर उन सभी से प्राइड को हरा के आगे बढ़ रहे होते हैं। आइसबर्ग के कमरे में जा रहे होते हैं उसे बचाने के लिए। वो सभी बहुत तेज़ी से वहाँ जा रहे होते हैं। लूफी और पॉली उस बंदर से बचने के बाद वो दोनों भी आइसबर्ग के रूम पे बहुत तेज़ी से जा रहे होते हैं। उसके बाद वह सारा CP9 का जो मेंबर था वो कहता है कि CP1 से लेके 8 तक जो है गवर्नमेंट का आइज एंड ईयर की तरह काम करता है, लेकिन CP9 जो है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास स्पेशल पावर है। ये एकदम हिडन तरह से काम करता है और इसके बीच में जो भी आता है उसे मरवा दिया जाता है। वो किसी को भी मार सकते हैं जान से। उसके बाद सीन कोकोरोसान पे शिफ्ट होता है जो कि बहुत सारा दारू पी रही होती है और वो कहता है कि मैं कितना पीऊँ, आज मैं नशे में नहीं जाऊँगी। तो पोती कहती है तुम इतना पियोगी तो नशे में चले जाओगी, तुम पूरा जिंदगी भर से ये सब कर रही हो। उसके बाद कहता है जिंदगी भर से नहीं, पिछले 8 साल से। उसके बाद कुछ हिस्ट्री दिखाया जाता है। वो सारा CP9 का जो ऑफिसर था वो लोग अपना एक हाइपोथेसिस बनाता है कि तुमने बिना झिझक से अपना पॉली को जो है वो मैप का पीछे भेज दिया। अगर तुम जानते हो कि तुम वो पकड़ा जाएगा तो तुम ऐसा कभी नहीं करती। ये तुम तभी कर सकते हो जब वो मैप उसी ऐसे जगह पे है जहाँ पे तुम हम सोच भी नहीं सकते कि वो मैप उसके पास होगा। फिर वो जो लंबा नाक वाला होता है उसको वो कहता है कबूतर वाला, जाओ उसका पल्स चेक करो। पल्स चेक करने से पहले वो कबूतर वाला आदमी उसको ज़ोर से किक करता है और कहता है तुम मेरा बॉस नहीं है जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। फिर वो काकू जो है जाता है उसका पल्स चेक करता है और वो कहता है, और फिर वो हाइपोथेसिस अपना सुनाता है। वो कहता है जब हम वो हाइपो पढ़ रहे थे वो सारा नकली सेपरेट में, तो उसमें 3 आदमी का नाम था, एक था टॉम, उसके बाद एक और था और एक तुम्हारा नाम था। अगर कोई नॉर्मल आदमी वो ब्लूप्रिंट पकड़ता तो उसको फेंक देता, लेकिन हम तुम्हारे क्लोज थे तो तुमको ये सोचा भी नहीं हुआ कि हम इतने क्लोज हैं और तुम्हारा कल्प्रिट बन जाएंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में वो अपना प्लान उसे समझाता है। तुम्हारा जान खतरे में था तब भी तुम अपना रियल फोटो जो ब्लूप्रिंट था तुम किसी को नहीं दिए, इसका मतलब वो तुम्हारे पास है ही नहीं। और उस ब्लूप्रिंट में 3 नाम था, आइसबर्ग, टॉम और कटीफ्लाम। तो हम जानते हैं कि टॉम तो वो गुरु था और आइसबर्ग तुम हो, पर ये कटीफ्लाम कौन है कोई नहीं जानता है। हालांकि तुम भी टॉम के चिल्ड्रेन बच्चे वो डिसिपल थे, ये भी बहुत मुश्किल से हमें पता चला है। उसके बाद कहता है कि जो टॉम था उसका सिर्फ 2 ही डिसिपल था, मतलब कि बच्चे वो स्टूडेंट, एक तो तुम और दूसरा था कटीफ्लाम। कटीफ्लाम का नाम कोई सुना नहीं है, लेकिन ऐसा र्यूमर था कि वो कुछ 8 साल पहले जो है बम धमाके में उड़ के मर गया था। वो कहता है टॉम बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था, लेकिन उसका कंपनी यहाँ एग्जिस्ट करता है पता है, लेकिन उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं था। ये भी मुश्किल था कि तुम उसका डिसिप्लिन हो, ये भी बहुत मुश्किल से पता चला। और गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अनुसार से टॉम का सिर्फ 2 डिसिप्लिन था, एक तो है और दूसरा जो है ऑफिसर के हिसाब से वो कहीं मर चुका है एक हादसे में 8 साल पहले। सीन कोकोरोसान का पास्ट में दिखाया जाता है जो कि कहता है ये बहुत ही बुरी बात है, सेम वाली बात है कि कटीफ्लाम का एक वॉयलेंट जो चिल्ड्रेन था वो डिसिपल था वो मारा गया। हमें फोटो में दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसमें वो जो कटीफ्लाम था उसका बीच में बम फूटा और सारा पार्टी सा इधर भीतर हो गया। उसके बाद CP9 के मेंबर में वो कबूतर वाला कहता है कि हमने कटीफ्लाम का नाम सुना था बहुत, तुम कभी नाम लेते नहीं, लेकिन एक बार हमने सुना था जब हम नए नए ज्वाइन किए थे उससे कुछ दिनों पहले कि वो आया था तुम्हारे पास, वो कहा कि मैं वो बताओ कि मैं कटीफ्लाम आया हूँ, तो तुमने कहा कि इस नाम से कोई नहीं जानता हूँ। उसके बाद तुम उसे गए उससे बात किए, हालांकि ये कोई शक नहीं करेगा कि जो सिपराइट को डेमोलिश करता है सिर्फ उसको तुम जाके अपना ब्लूप्रिंट दोगे, इसलिए तुम उससे हमेशा कम बात करते थे। और उसका जो नस है बहुत तेज से हार्ट पाउंड करने लगता है, वो ये बताता है कि तुम मतलब ये कहानी हमारा हाइपोथेसिस सच है। और उसे पता चल जाता है कि जो सिपराइट ब्लूप्रिंट था, प्लूटोन का ब्लूप्रिंट, वो फ्रेंकी के पास है। वो कहता है कि तुम ह्यूमन हो, तुम ये बात छुपा नहीं सकते, तुम्हारा शरीर तो बता ही देगा, तुम्हारा खून तो बता ही देगा सच। अब वो आगे बोलने वाले होते ही हैं कि उधर से जोड़ो जो है दरवाज़ा काट के अंदर आता है और लूफी और पुक्की जो है उधर से एकदम
दरवाजा दीवार को तोड़ के अंदर आता है। दूफी जोड़ो दोनों अपना स्टाइल से अंदर आते हैं और वो कहते हैं, रॉबिन हमने तुम्हें खोज लिया। उसके बाद वो सारा देखते हैं, तुम देखते हैं क्या कि वो सारा जो है गैरिला कंपनी के मेंबर थे, वो सब शॉक हो जाते हैं, आखिर ये यहाँ कर क्या रहे हो, यहाँ चल क्या रहा है, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद एपिसोड खत्म होता है ये बोलते हुए कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, बहुत ही गुस्से में। और एपिसोड खत्म, अब अगले एपिसोड में।